जय गुरु बाबा कविला सुन्जेवटी जंगरार साहित्यिक बखेरी से उत्पादित थारू भाषक साहित्यिक कार्यक्रम लारलमन और मई प्रस्तुता शिवेन्द्र कुसुमिया उत्पादन संगठन राम पछलंगे अनुरागी और राजू चौधरी आसिकली वसका हमारी लारलमन कार्यक्रम देश का कई एफएम रेडियो से पे फरक फरक दिन और समय में सुन्तीवाती रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज बेलौरी कंचनपुर सामुदायिक रेडियो पश्चिम अज 104.7 मेगाहर्ट्ज लम्की कैलाली रेडियो सखी 95.8 मेगाहर्ट्ज मसूरिया कैलाली रेडियो मन को मंजरी 91 मेगाहर्ट्ज पलमनपुर कैलाली 88.3 रेडियो घोड़ागोरी शिखर कैलाली रेडियो रामयन 89 मेगाहर्ट्ज सानो श्री बर्दिया रेडियो हाम्रो फुलबारी 107.3 मेगाहर्ट्ज भूरी गांव बर्दिया सामुदायिक रेडियो बब 106 मेगाहर्ट्ज गुलरिया बर्दिया रेडियो एक्सप्रेस 88.4 मेगाहर्ट्ज नेपालगंज बाकी रेडियो बागेश्वरी 94.6 मेगाहर्ट्ज नेपालगंज बाकी रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ट्ज तुलसी बोरदान रेडियो थारू अनलाइन चितवन रेडियो सौरा अनलाइन चितवन रेडियो प्रभु एफएम जलारी कंचनपुर सेफे लोहारलमन सुन्तीबाती कविला आज मई वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वाजी का एकल कविता वाचन लेकाल बाटू ओसका वहां का थारू भाषा म बहुत किताब फे प्रकाशित हुआ सुखली थारू भाषक पहला बाल कथा संग्रह ओसका जोनहू मामा थारू भाषक पहला बाल कविता संग्रह हलो जोतने माछा सचित्रमय कथा थारू भाषा में समेत अनारकलिक अंतर कथा थारू भाषा में समेत तुलाराम को चर्ती कला थारू भाषा में समेत सत्तल सिंह को कथा थारू भाषा में समेत छट्टू स्याल को बिहे बाल कथा फुटल करम थारू भाषा के पहला उपन्यास 2055 दोसर घर जाइबेर थारू भाषा के पहला मुक्तक संग्रह 2056 गंतव्य मुक्त कमैया संबंधी उपन्यास समय का उच्च बासहरू हाइकू संग्रह 2059 माया मामा भान्जा थारू भाषा की पहला लोककथा 2060 बिब्लियोग्राफी अफ इंडिजिनियस इथनिक थारू थारू लोककथा शांति को खोजी में बाल बालिका द्वंद्व में परल पर लड़कन के सत्य कथा ढोंढौ पोपो हास्य व्यंग्य संग्रह थारू गुरु मंत्र ज्ञान 2069 कमैया बस्ती में भगन में अस्तक बहुत किताब प्रकाशित फे कर सिक्लो बाट कविला आज हमारा वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वाजी जी का कविता लेखा आयलबटी कविता वाचन करना स्यागा अनादरी मैं कच्चम पंडित पर
राम राम। मई कृष्णराज सर्वहारी फागुन महीना भर मई जंगराज साहित्यिक बकरी से उत्पादित साहित्यिक कार्यक्रम लारल मन में पहुना के रूप में रहम। मोर बारे में विस्तृत रूप में जानकारी लेना चाहबी कल से www.facebook.com कृष्णा सर्वहारी वा लारल मन सुनती रहबी। कविलाई हेक्रमे मै एकठो कविता ज्वारा जैती भाटु वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारीजीका उहाँ कविता मै एचिका बढाई जैती भाटु। कविताका शीर्षक बा बर्खक सम्मान मै एक थारु किसान मही बा बर्खक महत्व ओहेसटे पानी नै पर्लेसे गोरु बेरे लग्ठा हमार दिदी बहिन राग लगा के जब गीत गैठा सायद इन्द्र भगवान खुश हुइठा। बर्खा झरत झरझर झरझर बर्खा खुशी में जब किसान खेतम टकटक बाहु में जुट्ठा ऊ अवस्थम उनकी खुशी के बयान कौन कवि कर सकी। जग में भर्ती बा उद्योग कल कारखाना हुईती बा वजन तह नस्त जे बर्खा के अनेक रूप के कौमारे लुट्टी बा ओकरे हुईठ समान यहाँ। किसान जे बर्खा कामना करत जे बर्खा लग पूजा करत स्तुति गायत अन्न फराके सकुन पोसत आखर आखिर गवार कहके का करे ओकरे हुई अपमान यहाँ। कबिला पकई फिर मई गर कविता उठेल रो मई बर्खक सम्मान शीर्षक के कविता असका कविता में कटेल्ला मई एक थारू किसान मही बा बर्खक महत्व है से ते पानी ने पड़े से गोरु बेरे लगठा कहके हमार दीदी बहिनन कहकर पक्के फे कबिला हमरा पानी नहीं पड़े से गोरु बेर था हमार चलन जौन पहला बचाई बैसाख में हमरा गोरु बेहर थी मार दीदी बहिनन गोरु बेहर था सजना गाका तब हमार इंद्र भगवान सुनठा कहकर खुशी का पानी बरखा नन्था कहकर असका कविता में कटल्ला झरझर झरझर पानी पड़ कहकर सक बरखक खुशी में जब किसान खेतम टक टक बाऊ में चिट्ठा का ऊ अवस्था में उनकी खुशी बयान कौन कवि कर सके कहकर असका कटेला कविता में वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारी। कविला हेक्रमे मई एकठो और कविता ज्वारा जैती भाटु वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारजीका वहाँ कविता का शीर्षक बा दाई तोहार बोली में। दाई तोहार बोली में लेती हाँसे सीखलू रोई सीखलू नेंगे सीखलू धीरे धीरे सयान होलू तोहार छाई से दूर होलू गाँव छोड़ के सरिया बाबू बनलू परिवार के विरोध हुईलो पर अंतर जातीय भोज कैलू मोर छावा जन्मल ऊह अपन दाई के बोली में बोली मिलाल हाँसे सीखल रोई सीखल नेंगे सीखल मने मोर छावा मोर बोली नहीं सीखल का करे कि तोहार पटुहिया बड़ा घरक में नहीं पड़ल शासक के भाषा किल जानल गवार भाषा हमार छावा नहीं सीखी ओकर वस्ते चाहना रहीस ऊ बा आज पूरा हुईली सहरिया बाबू बनलो पर अपन भाषा संस्कृति बचा के राखीस कले रहो मोर दाई आज तुहार बोली के लाज राखे नहीं सिकलू मोर दाई काटू मही कबो माफ कर सकबो। कबिला पके फिर मैगर मार्मिक कविता उठेल रहो मई मोर दाई शीर्षक के कविता असक दाई तुहार बोली में शीर्षक के कविता उठेल रहो मई दाई तुहार बोली में लेटी हाँसे सिकलू गई का कटिला सका लेखक जी धीरे धीरे नेंगे सीखलू धीरे धीरे डौरे सीखलू कहकर असका कविता में पक्के फे हमार दाई हुकरा नेंगे सीखेटा डौरे सीखेटा बोला सीखेटा वस्तका तुहार छाई से दूर हुईलू जब कहकर कटिला कविता में गाँव छोड़ के सारिया बाबू बनलो कहकर परिवार के विरोध हुईले पर अंतर जातीय भोजफे कैलू कहकर असका कविता में कटिला वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारीजी। कविला हेक्रमे मई फेन सेक्ठो कविता जरा जैती भाटु वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारीजीका कविताका शीर्षक बा दाई हे लाव वर्षक शुभकामना। कविता असिका आगा बढाई जैती भाटु मई मोर दाई चैतवासी हौ हौ बयालले तोहार आँखी किरकिट परत हुई
आँख मिसमिस हेर ठिबो कि सहर बैठल छवा दाइहे भेट करे लाओ वर्षक बहन में जरूर गाँव आए थी चर्चा बा सबोर लाओ नेपाल के लेकिन व्यवहार बा चाहे जेकर पुरनिय नेपाल से फेन गए चर्चा बा आजकल लावा संविधान के मने लावा संविधान में हमार बात अटाइल नहीं हो वही से दाई ऐना लावा बरस असम लावा बरस नहीं लागत हो अब लावा बरस फेन खोजता पहचान अपन वैसा के नेपालिन के लावा बरस मने का हमरे थारू शेरपा मगर फुरसे नेपाली के अनुभूति करे नहीं पहली बटी खई थारून के लावा बरस माघिक पहचान खै शेरपा मगर लोगन के लोहसार के पहचान का एक दिन छुट्टी पाके किल हमरे ही लावा नेपाल के अनुभूति हो जाई खै हमार बोलिक पहचान खै हमार लगामक पहचान खै हमार धरतिक पहचान खै हमार सांस्कृतिक पहचान ये सब के अनुभूति नई हुई सम कसिक दिउ मई शुभकामना तुहिन ये सब हुईटन संविधान में चाही संशोधन लेकिन नेता लोगन के बटिन खाली कुर्सी टानतन समय में संशोधन कहना नहीं हुईन ज्ञान ओहे से मोरदाई नई दिनासमन लागत टुहिन असौ कथित बैसाखी लाओ वर्ष के शुभकामना कबिला पके फे समय सांडविक कविता उठिल रमई वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सरकारजी का सका कविता में कटिल्ला मोरदाई चैतवासी हो गल बयाले टोहार आँखी किरकिट बड़ थी आँखी मिसमिस हेर थी बो खाई शहर बैठल छावा नहीं आई ठोके के भेद करे नहीं आई ठोके के असका चर्चा बासा बोर लावा नेपाल के गई के लेकिन व्यवहार बा चाहे जेकर पुरने नेपाल फेन गईल गई के चर्चा बास के गई के लावा संविधान के गई के पके फे कबिला समय सान्दर्भिक कविता उठल रुमई वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज प्रभारीजी का कविला हेक्रमे मई फेन चेकठो कविता ज्वारा जैती बाटू वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सरवारजी का कविता का शीर्षक बा औकत्यार मनी ए कवि का टुहिन आपन दाइक कोनम छोटेम खेलक याद बा ले छावा अत्र चे खाली कहके दाई टुहिन कसिक फुसलाई ए कवि का टुहिन बाबक हाथ पकड़ के वहाँ संग बाजार खेले गए लक याद बा मन परल झुलवा जंगिया का लक याद बा ई सुघर बा ई टोर में सुहाई कहके बाबा टुहिन कसिक भुलाई ए कवि का टुहिन आपन दादुक संगे स्कूल गैलक ऐलक याद बा दादुक संग दादू डगरे भरतुहिन कसिक आगे बढ़ना प्रेरणा दित एक फेरा अपन बाल अपन समझते चाहे फुसलाई ना नाव में होए चाहे भुलोई ना नाव में होए चाहे प्रेरणा देना नाव में होए तुहार दाई बाबा दादू तुहार परिवार के सब जेते तुहिन अपने भाषा में किलकोरी मारक सिखेला मने आज तू कहती बतो मही अपन भाषा लिखना और कत्यार लागत कान खोल के सुन ले अपन भाषा बेलसना कर लगना मने ए कवि तू संसार के सबसे औकत्यार मने हो कबिला पके थे मैगर कविता उठेल रो मई कविता का शीर्षक रह औकत्यार मने असगा कविता में कटेला कवि जी ए कवि का तुहिन अपन दाइक कोनम खेल छोटम खेलक याद बा कही का अपन बाबा से खेलक याद बा अपन दादू दादू अपन समझेला कही का दादू संग पढ़ गेलक याद बा कही का कटेला सक कविता में कृष्णराज सरभाजी ई सुघर बा ई तुहार सुहाई कही के बाबा तुहिन कसिक भुलाइट कही का असक कविता में फिकत कलबाता असक कवि का तुहिन अपन दादूक संगे कही का स्कूल गैलक याद बा कही का फिर असक कटेला एक फेरा अपन बाल अपन समझते कही का असक समझती रहला कविता मार्फत कृष्णराज सरभारी जी कविला एकरमे मै फेन्सेक थार कविता ज्वारा जैती बाटू कविता का शीर्षक बा मुक्त कमिया कमयक सपना कविता मैं ऐसिका आका बढ़ाई जैती बाटू मालिक मैं आज अचमक सपना देख लू मालिक मैं आज अचमक सपना देख लू तुहार दस वर्षक छाई मोर बुढ़िया गोरेम तेल लगाई रहे
तुहार जननी हमार घर न बहार तहे तुहार आठ वर्षक छाव मोर घरक भेरी चढ़ाई थे फुरेसे मलिकवा तू मोर घरक कमैया लागल देख लो मई चुपारो छटका सपना कलक सपने हो मलिकवा बम बन के पटकला ये तू मोर देखल सपना है सपना कह के उड़ाई तू काल बीपना में हमार शाखा संतान तुहार दास बनला आज तो मोर सपनक बात ले फेन तुहार आगे कांटा फूलता विजिन करो आप मोर सपना खत्या याद रखो मलिकुआ आज हमरे आपन मलिकुआ आज हमरे आपन मलिकुआ मालिक खुद बन सकली मने आपन ही राजा बनाए नहीं चाहत हुई तू ही ने कना काना बनाए के नहीं चाहत हुई मांगती केवल आपन अधिकार नहीं हो आप तुहिन मोर सपना की हत्या कहना अधिकार मोर सपना की हत्या कहना अधिकार कबिला पक्के फिर मई गर कविता उठे लो मई मुक्त कमियक सपना शीर्षक के कविता वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वानी से लिखित असका कविता में कटेला टू मोर घर कमिया लागल देख लो मई कह के चुपारो छटका सपना कलक सपने हो कह के मलिकुआ बम भटके पटकला ए टू मोर देखल सपना है सपना देख के राइट हो गई का मलिकुआ न कटेला असक कमिया असक कविता में कटेला काल विपना में हमार शाखा संतान तुहार बास बोलला कह क्या आज मोर सपना बात ले फिन तुहार आगम कांटा फुलटा कह क्या असक कटेला कविता में वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सर्वहारी जी गरीबन के कर्मस्त हो असर सावन महीनमा आधा घम पानी दस्त हो सुनो हमार संगारी गरीबन के कर्मस्त हो असर सावन महीनमा आधा घम पानी दस्त हो अधिकार कहाँ बा अपन खेतवा अपने स्वाताला अधिकार कहाँ बा अपन खेतवा अपने स्वाताला बरखा दिन आधा रोटी खा कर जोतना बरखा दिन आधा रोटी खा कर जोतना रहल दिन कपा भात नहीं तमार पीना है सुनो हमार संगारी गरीबन के कर्मस्त हो असर सावन महीनमा आधा खम पानी दस्त हो जतरा काम करला से थे नहीं पैना सुख जतरा काम करला से थे नहीं पैना सुख जिंदगी भर हर ज्योती संघर्या दुख वै सुनो हमार संगारी गरीबन के कर्मस्त हो असर सावन महीनमा आधा घम पानी दस्त हो सुनो हमार गरीबन के कर्मस्त हो असर सावन महीना मा आधा
कविला भर्खर रेडियो खलौबी कलशे अपने सुन्टीवाटी झंगरार साहित्यिक बकरी सिपादित थारू भाषक साहित्यिक कार्यक्रम लहरलमन औ मई प्रस्तुता शैवेन्द्र कुसुमे आवाज तिथी बाटु असका आज मई अपना कन्थे वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्ण राज शर्माजीका एकल कविता वाचन कैका रसपान खरिटी बाटु असका यी लहरलमन देशका कै एफएम रेडियो सिपे फरक फरक दिन व समयमा सुन्टीवाटी रेडियो सुदूरसञ्चार बेलौरी कञ्चनपुर रेडियो पश्चिम मजलङ्की कैलाली रेडियो सखी मसुरिया कैलाली रेडियो मनको मन्झेरी पहलवानपुर कैलाली रेडियो घोडाघोरी सुखर कैलाली रेडियो रामगेनु सानो सिरी बर्दिया रेडियो हाम्रो फुलबारी भुरी गाउँ बर्दिया रेडियो बबई गुलरिया बर्दिया रेडियो एक्सप्रेस नेपालगञ्ज बाँकी रेडियो बागेश्वरी नेपालगञ्ज बाँकी रेडियो हाम्रो पहुँच तुलसीपुर दाम रेडियो थारो अनलाइन चितवन रेडियो सौरा अनलाइन चितवन रेडियो प्रभु एफएम झलारी कञ्चनपुर सेफे लोहारलमन सुन्टीबाटी कविलाई हेक्रमीमै फेन्सेक ठो कविता चरा जति बाटु कविताका शीर्षकमा मोर मन परल मनि कवितामै असिकागा बढाई जति बाटु ओ मोर मन परल मनि आजकल तु कहोर बाटो कले रहो सुख दुख में साथ देहम सुख टे जम्मे अछोर के लगेल दुख भर सहारा मोर भागे अख्या के बल देलो अंतिम भेट में कले रहो तु भोज कर टूटेका तुहिन जिंदगी कबू नहीं बिसरे मोर पहला प्रेम के लाज राखम हरदम मने मन हुईले से फेन हरदम मने मन हुईले से फेन समझती राखम कहाँ गैल ते आज उ बाचा कसम सुन्ठू तो हर गोस्या लाहौर गैल बता दे लाहौरियन समय में रुपया पठाई नहीं सकता असिन में ऋण सापट कर सकतो सुख दुख में काम लगना कलक यह ते हो मने सुन्ठू तुहार गोस्या समय में रुपया पठाई बाट उहे रुपया ले तू औरे औरे थरियन से मस्कटी ने उठो दे याद करो तू मैयक नाऊ में घाटा के सौदा करती बटो तू अपन लक्ष्मण रेखा ना के तू अपन लक्ष्मण रेखा ना के काज पिहुक ऊपर विश्वासघात करती बटो अंतिम भेद में मैं फिन कले रहूं कि सुख दुख में साथ देहन काला घर काल घर न घात के हुईबो तब बल्ले साइड मोर हास मनन की याद आई पहला प्रेम याद आई ओ मोर मन परल मनई शायद तब्बे मई फेन आपन निर्णय बदल रखले रठू की कबिला पके फिर मारे कविता उठल रुमई वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्ण राज शर्माजी का कविता का शीर्षक रह ए मोर मनई असक कवितामा कटेलहा कविजी ई मोर मन परल मनै काल आजकाल तु गहर बाटो कले रहो सुख दुख में साथे सुखते आज जम्मी अछोर के लागि लोकिका सग कवितामा कटेलहा कृष्ण राज शर्माजी कविला हेक्रा मेमै फेन्सेक ठो कविता ज्वारा जैति बाटो वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्ण राज शर्माजीका कविताका शीर्षक बा बुद्ध तोहार पहिचान सब्जे आ आपन पहिचान के खोजीमा बताओ तोहार पहिचान का हो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनलो युद्ध रोकलो विश्व शांति ज्ञान बटलो आपन हे अमर बनेलो मनी आज मनै तोहार पहिचान खोजी बता कोई कहता बुद्ध साक्य वंशी हुई रहित ऊ नेवार हुई कोई कहता बुद्ध कपिल वस्तु के तराई में जन्मल रहित ऊ भूमिपुत्र थारू हुई कोई कहता बुद्ध मधेशी हुई कोई कहता बुद्ध के जन्म नेपाल में नहीं भारत में हुईलक हो असी का सब जने तुहिन आपन कोलकाहा बनेना अभियान में लागल बता बताओ तुहार पहचान का हो मोर प्रश्न ले बुद्ध मुस्कुरेला ओ कहला
मोर देहांती के बाद मने मही भगवान मनला ना पूजो कहती कहती बड़ा बड़ा मूर्ति बना के पूजा करे लगला। मने मई केवल साधारण मने हूँ, संसार में केवल दुई जात बता महिला और पुरुष। ओ मई वही एक वीर पुरुष हूँ जे शांति के खोज में दरबार छोड़ के निकल आज मही मने अपन सीमित गोत्र में अपन सीमित देश में कैद कर देख के हाँसी लागत केवल हाँसी। उनके अल्प ज्ञान देख के केवल हाँसी लागत केवल हाँसी। आदिवासी थारो हमारे धरती पुत्र तराई के, आदिवासी थारो हमारे धरती पुत्र तराई के, आदिवासी थारो हमारे धरती पुत्र तराई के, आदिवासी थारो हमारे धरती पुत्र तराई के। भूमि होई तमरे सा आई हो थारू हो भाई, कैसे के बचाई पहचाना, कैसे के बचाई पहचाना। जहरा जैटी बाटो वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सरभाजी का कविता का शीर्षक बा गुरिक सोता। छोटेम गुरिक सोता थथैलक अभिनसम याद आइट, दीदी बहनियन से कुहरी मंगलक याद आइट, सोता थथा के ढेर दिना फरी गई के बारिक डनगम सोता झुरलक याद आइट, दौड़ेटी घर घर छेती घंटा बजेटी औरे गांव दलिद्दर भगलक याद आइट, सुनती बटू गुरिम अभिनपित गौलिया लड़का सोटा थथैती बट मोर मनिम बेर बेर प्रश्न उठत, का सोटा थथा के आप थारुन के गांव से दलिद्दर भागीते, वैसे हमरिन सक्रिया हमार पुरखिन के पीठिन, सोटा बरसिया जाली फटहा सोसको कन के ऊपर आप गुरिम थथैना एक मुस्त सोटा बरसना होगी, बारिक डंगम सोटा झुरैना से सोसा कन के घेचम सोटा झुरैना होगी, हमार चेली बेटिन ऊपर दिन दहारे हाथ लगुया, कथित जिमडरवन के बिगड़ल छावन ऊपर आप एक मुस्त सोटा बरसना होगी, जस्ते गुरी में सोटा एक मुस्त होइत वस्ते एकता आप थारू समुदाय आगे पाछे दर्शना होगी, कहाँ सम सब इतिहास के कालखंड में हमरे आप सोटा ओहे से दादू भैयन किल नाई, गुरहिम सफर के कुहरी बटुया दीदी बहन फेन
दिदी बहिनी फेन उठाई आप सौता वर्षाई एकमुस्त ओक्कर ऊपर जे ठारू समुदाय है घून किराहास खाईता जे ठारन के पहचान मिटाईता कविता क्रमे मई फेन सेठो कविता ज्वारा जैती बाटू कविता का शीर्षक बा आखिर कहियासम कहियासम रही गैया हमार देश के राष्ट्रीय जनावर का राष्ट्रीय जनावर बर्दा नहीं बनी सकत जे रातो दिन हर तान के हमार मुंह में हमार लगाए थे कहियासम रही पहाड़ में किल फूलना लाली गुरास हमार राष्ट्रीय फूला का डौना बेवरी बने नहीं सकत हमार राष्ट्रीय फूला जौन दस्यम हमार घेजम कानिम सेवरल रात कहियासम रही दाफी हमार राष्ट्रीय चिड़िया का मुर्गा बने नहीं सकत हमार राष्ट्रीय चिड़िया जे हमरहीन भिनसारी कुकरे को कहके जगैठ कहियासम रही दौरा सुरुआल टोपी किल हमार राष्ट्रीय पोशाक का हमार जामा चौबंदी अंगौछा लहंगा कुर्ता राष्ट्रीय पोशाक बने नहीं सकत कहियासम रही नेपाली किल हमार राष्ट्रभाषा का ई देश में बोल देना सकु राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए कहियासम पढ़ाई हुई त मने टाराजु थर्मस ठ मने ठडेउरो त मने टाभाङ ठ मने ठारू का पढ़ाई हो नहीं सकत ई कहियासम के उत्तर खोजना दिन आब आसेकल पहचान सटके संघेता थरोत लिम्बुआन टमुआन नेवा लगायत हमार भाषा है मैया करना एकर संरक्षण के ग्यारंटी करना मेरी संविधान बनेना दिन आसेकल आखिर कहियासम रवि शासित हमरे आब शासित नाही शासक हमरे कना नारा घनकेना दिन आगे आसेकल अपन थरवट प्रदेश के झंडा में सूर्य चंद्रमा के नहीं सृष्टिकर्ता गुरु बाबा का आकृति फेन फरे न दिन आसेकल आखिर कहियासम सुतल रवि हमरे आब जगना दिन आसेकल आसेकल
कविला आज कार्यक्रम का मठवा नांग सकल आज कार्यक्रम मई अपना कन थे वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्णराज सरभार जी का एकल कविता वाचन कई का सुनेनु असका आज कार्यक्रम अपना कन कैसी लागल सलाह सुझाव पठाक जिन बिसरवी सलाह सुझाव पठेना हमार ईमेल ठेकाना हो sevendra14@gmail.com sevendra14@gmail.com वा rpachhldangy@gmail.com rpachhldangy@gmail.com वा 9841386096 9841386096 मा एसएमएस कैखवा सुन्ती रलक एफएम रेडियो मा फ्यापन मैगर सल्लाह सुझाव पठाइसकबी असका लारलमन कार्यक्रम ह अपनाउन घरङनासम पुगाका सहयोग कर्ती आयल रेडियो सुदूर संचार भेलौरी कञ्चनपुर रेडियो पश्चिम हजलम्की कैलाली रेडियो सखी मसुरिया कैलाली रेडियो मनको मंजरी पलवानपुर कैलाली रेडियो घोडाघोडी सुखर कैलाली रेडियो रामगेनु सानो श्री बर्दिया रेडियो हाम्रो फुलबारी भूरी गाउँ बर्दिया रेडियो बबई गुलेरिया बर्दिया रेडियो एक्सप्रेस नेपालगंज बाँकी रेडियो बागेश्वरी नेपालगंज बाँकी रेडियो हाम्रो पहुँच तुलसीपुर दाङ रेडियो ठारो अनलाइन चितवन रेडियो सौरा अनलाइन चितवन रेडियो प्रभु एफएम जलारी कञ्चनपुर नेफे ध्यार त्यार धन्यवाद असक सक्कु एफएम रेडियो प्राविधिक संगठन नेफे ध्यार त्यार धन्यवाद देती आज कार्यक्रम से मई कार्यक्रम प्रस्तुता सेविन्द्र कुसुमिया उत्पादन सगरन राम पछलंग अनुरागियो राजू चौधरी ओल्टा रिटी जय गुरु बाबा रंग बिरंग के पर पावन अनेक पहिरन परिवे मिलजुल के रमसाहु बांटसाहु सुख संदेह।